हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्नैप इन्फो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, काइनमास्टर ऐप के अंदर आप अपने वीडियो को एडिट करते समय उसमें एक HDR इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, जिसके वजह से आपकी वीडियो में जो कलर कंट्रास्ट होगा बहुत अच्छा आएगा और आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। जैसे लगेगा कि गाइज आपकी वीडियो DSLR से शूट की गई है। तो उस इफेक्ट को कैसे आपको लाना है और कैसे उसमें एडिट करके लगाना है अपने वीडियो के अंदर, तो चलिए गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ काइनमास्टर ऐप के ऊपर और आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ आए। तो गाइज आपको अपने फ़ोन में काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है, प्लस आइकन पर जाना है, Empty प्रोजेक्ट पर जाना है, रेशियो सेलेक्ट करनी है और कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिख जाएगा। इसके बाद से मीडिया पर क्लिक करके वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है जिसको आपको एडिट करना है और जिस वीडियो में आपको इफेक्ट ऐड करनी है। तो मैं मीडिया से जाके एक वीडियो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जिसमें मुझे इफेक्ट ऐड करना है। तो गाइस वीडियो हमने इंपोर्ट कर ली है और वीडियो इंपोर्ट करने के बाद से आपको जाना है लेयर पर। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपको दिख जाएगा इफेक्ट, तो इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट ऑलरेडी दिख जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में ये वाला इफेक्ट नहीं है जो मैं ऐड करने वाला हूँ HDR इफेक्ट, तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है गेट मोर पे। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख जाएगा कलर का, तो कलर पर आप जब क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करके आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक इफेक्ट दिखेगा HDR, तो ऑटो HDR पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद से अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा इंस्टॉल की जगह, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। क्रॉस पे क्लिक करके वापस बैक आ जाना है। बैक आने के बाद से फिर से आपको लेयर पे जाना है, FX पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है, तो आपको यहाँ पे इफेक्ट अब दिख जाएगा ऑटो HDR। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेनी है, फिर ऑटो HDR पे जाना है और जाने के बाद से आपको यहाँ पे गाइज दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा गाइज इफेक्ट ऐड हो चुका है। और इफेक्ट ऐड होने के बाद से देखिए जहाँ जहाँ मैं इफेक्ट लेके जा रहा हूँ वहाँ पे वीडियो की क्वालिटी कैसे इन्हेंस हो जा रही है ऑटोमेटिक। और इस इफेक्ट को आप पूरे स्क्रीन पे यूँ करके फैला सकते हैं और फैलाने के बाद से जितनी वीडियो की आपकी ड्यूरेशन हो उतने दूर में आप इस इफेक्ट को कर सकते हैं। और उसके अलावा और मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इस इफेक्ट के कंट्रास्ट को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, अल्फ़ा पर क्लिक करना है। और अल्फ़ा पर क्लिक करने के बाद से आपको इसकी कैपेसिटी हाई और लो कर सकते हैं यहाँ से इसकी हेल्प से। तो मैं कुछ 70% पर रहने दे रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है और वीडियो की क्वालिटी भी गाइस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। इसके अलावा गाइस और मैं आपको बता दूँ, लेयर पर जाने के बाद से FX इफेक्ट पर जाने के बाद से आपको यहाँ पर एक इफेक्ट दिख जाता है कलर आइसोलेशन का, तो उसकी हेल्प से आप इस वीडियो में कलर हटा सकते हैं। शार्पन की हेल्प से आप वीडियो को शार्प कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीडियो आपकी फेड है तो इस इफ़ेक्ट की हेल्प से वीडियो को शार्प कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिख रहा होगा। और इसका भी कैपेसिटी आप बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये देखिए मैं जहाँ जहाँ इसे ले जा रहा हूँ वहाँ वहाँ की टाइल्स कैसे ईंटें आपको क्लियर ज़्यादा दिख रही हैं, तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को शार्प भी कर सकते हैं। आई होप गाइस ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और मिलते हैं गाइस एक ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।